नमस्कार, मैं पूजा और आप मुझे देख रहे हैं एमएनएस न्यूज लाइव पर। आइए देखते हैं आज के दिन की शुरुआत की खास खबरें, जिसमें हमारा उद्देश्य होता है कि सच्ची घटना से आपको रूबरू करना, जिससे आपका दिन शुभ जाए। आइए देखते हैं आज की खास खबर। 115 संगठनों ने कहा, ओबीसी को राजनीति में आरक्षण मिले। नागपुर राजनीति में ओबीसी को आरक्षण पर समर्पित आयोग ने विविध संगठनों का पक्ष सुना। विभागीय आयुक्त कार्यालय के संजय बांटिया आयोग के सामने 115 संगठनों ने ओबीसी आरक्षण के समर्पण में पक्ष रखा। आयोग के ओबीसी का सांख्यिकी डेटा संकलन का सुप्रीम कोर्ट में आरक्षण टिक सके, इस दृष्टि से समझूत मजबूत पक्ष रखने का आयोग किया। शाम 4 बजे शुरू हुई सुनवाई देर रात तक चली। विभागीय आयुक्त कार्यालय परिसर में आयोग के सामने पक्ष रखने के लिए इकट्ठा हुए संगठन नारेबाजी कर राजनीति में ओबीसी आरक्षण लागू करने की मांग करते रहे। राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ की ओर से समर्पित आयोग को मिले प्रतिनिधि मंडल ने 50% आरक्षण के दायरे में ओबीसी को राजनीति में आरक्षण देने की मांग रखी। राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर बवन राव तायवाड़े ने कहा कि एससी एसटी आरक्षण को 50% से घटाकर जो आंकड़ा शेष रहता है, उतना ओबीसी आरक्षण लागू करना चाहिए। सभी जाति के ओबीसी का समावेश होना चाहिए। नागपुर ग्रामीण कांग्रेस ओबीसी सेल के अध्यक्ष अवंतिका लेकुर वाले के नेतृत्व में आयोग को ज्ञापन सौंपकर ओबीसी का सांख्यिकी डेटा संकलित कर सुप्रीम कोर्ट में मजबूती से पक्ष रखने की मांग की गई। प्रतिनिधि मंडल में राजेंद्र लांडे, दादा भिंगारे, दुमदेव नाटकर, ताराचंद धनरे आदि का समावेश रहा। कास्ट ट्राइब जिला परिषद कर्मचारी संगठन जिलाध्यक्ष डॉक्टर सोहन चवरे के नेतृत्व में समर्पित आयोग के सामने ओबीसी को स्थानीय निकाय तथा संसद व विधानमंडल में 27% आरक्षण लागू करने की मांग रखी। उसी के साथ ओबीसी की जाति अनुसार जनगणना मंडल आयोग की सिफारिशें लागू करने व महाज्योति संस्था का मजबूतीकरण कर जनसंख्या के प्रमाण में निधि उपलब्ध करने, सरकारी नौकर भर्ती पदोन्नति में आरक्षण लाभ, विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति तथा छात्रावास सुविधा उपलब्ध कराने की मांग रखी। बहुजन समाज पार्टी ने ओबीसी आरक्षण के समर्थन में आयोग को ज्ञापन सौंप कर पक्ष रखा। मंडल आयोग के अनुसार देश में ओबीसी की जनसंख्या 52% है, लेकिन शिक्षण और नौकरी में 27% आरक्षण लागू किया गया। राजनीति में भी उतना ही आरक्षण लागू करने की मांग रखी। प्रतिनिधि मंडल में प्रदेश कार्यालयीन सचिव उत्तम सेवड़े, जिलाध्यक्ष संदीप मेश्राम, मध्य नागपुर अध्यक्ष प्रवीण पाटिल, सुमित कापसे का समावेश रहा। ओबीसी को राजनीतिक आरक्षण मिलने की राष्ट्रीय समाज पार्टी जिला शाखा चंद्रपुर की ओर से समर्पित आयोग के सामने मांग रखी गई। जिला प्रभारी संजय कन्नावर के नेतृत्व में आयोग से मुलाकात कर ओबीसी आरक्षण का पक्ष रखा। प्रतिनिधि मंडल में नीलेश चाणक, संजय मेश्राम, ताराचंद मेडे, विलास कड़वे का समावेश रहा। संघर्ष वाहिनी पदाधिकारी दीनानाथ बागमारी ने कहा, जनसंख्या के आधार पर ओबीसी आरक्षण लागू करना चाहिए। आयोग को एम्पिरिकल डेटा इकट्ठा करना चाहिए। जन सुनवाई लेकर आंखों में धूल फेंकने का काम हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय पर अमल करना छोड़ सुनवाई की नौटंकी की जा रही है। आयोग की इस कृति का तीव्र निषेध व्यक्त किया। फिलहाल वक्त चला है ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद बताएंगे आपको देश दुनिया की तमाम खबरें। तब तक के लिए देखते रहिए एमएनएस न्यूज लाइव, के साथ जरूरी है। नमस्कार।